नमस्कार बच्चों, आज हम दसवीं कक्षा के नागरिक शास्त्र के पहले अध्याय की बात करने जा रहे हैं और उसका जो नाम है वो है सत्ता की साझेदारी, शक्तियों का बंटवारा या पावर शेयरिंग। अब ये जो दोनों शब्द हैं, हमें पहले इनका अर्थ जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक हम इन दोनों शब्दों का अर्थ नहीं जान पाएंगे तब तक हमारे लिए इस पूरे अध्याय को समझना आसान नहीं होगा, मुश्किल रहेगा। तो आइए पहले हम इन दोनों शब्दों का जो अर्थ है उसकी हम व्याख्या करते हैं। सत्ता का अर्थ होता है सरकार, यानी एक ऐसी शक्ति जिसके पास शक्तियां, कह सकते हैं ऐसी कोई संस्था जिसके पास शक्तियां हैं और वो अपनी शक्तियों का निर्वाह कर रही है अपने देश को चलाने के लिए। अब दूसरा जो शब्द है वो है साझेदारी। साझेदारी का अर्थ क्या हुआ? मिलजुल करके काम करना। तो यहां पर जो सत्ता की साझेदारी की बात है, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि जो यहां पर जो सत्ता है, यहां पर जो सरकार है, वो मिलजुल करके काम करती है। पहले की तरह नहीं है जैसा कि राजतंत्र में होता था कि राजा ने जो कह दिया वही माना जाएगा, जो उसका जो हुक्म होता था उसके पास सीमित अधिकार होते थे, जैसा वो चाहता था वैसा ही होता था। लेकिन हम सत्ता की साझेदारी की जब बात करते हैं तो हम लोकतंत्र की बात करते हैं। लोकतंत्र में क्या होता है? लोगों का शासन होता है और लोगों को ध्यान में ही रखकर सारे के सारे फैसले या निर्णय लिए जाते हैं। अब भारत में क्या है, जो सरकार है उसके तीन अंग हैं, आपको पता ही है, विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। ये सरकार के तीन अंग हैं। अब विधायिका का क्या काम होता है? विधायिका का काम होता है विधान को बनाना। विधान का अर्थ होता है कानून, यानी कानूनों को बनाना। और जो ये कानून बनाए गए उनको लागू करने का जो दायित्व होता है वो कार्यपालिका के पास होता है। और जो कानून बनाए गए क्या वो ठीक ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसको देखने का जो दायित्व है वो न्यायपालिका के पास होता है। आपको पता ही है कि भारत में जो विधायिका है उसको लोग चुनते हैं। आपको पता है यहाँ जो संसद है वो देश की सबसे बड़ी संस्था है जो कानून बनाती है, और उसके दो सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। अब जो लोकसभा है उसको लोग चुनते हैं और वो बाद में कानून बनाती है और वही विधायिका बनती है। अब यही लोकसभा अपने में से क्या करती है, कुछ लोगों को चुनती है, देश के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को चुनती है और देश के राष्ट्रपति को चुनती है, और वो जो लोग हैं कार्यपालिका का निर्माण करते हैं और वही देश में कानूनों को लागू करते हैं। और ये जो कानून लागू किए गए हैं ये सही हैं या गलत है, इसको देखने के लिए हमारे देश में न्यायपालिका बनाई गई है, जो यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं और उसके साथ जो सहायक न्यायाधीश होते हैं ये सारा काम उसको देखते हैं। अब इसके साथ क्या है कि हम देख रहे हैं कि देश में केंद्र की सरकार है और राज्यों में अलग अलग राज्यों की सरकारें हैं। तो हमने देखा कि जो देश में केंद्र की सरकार है वहां पर एक व्यक्ति का हाथ नहीं है चलाने के लिए पूरी सरकार को, नहीं, हमने देखा ये तीनों अंग काम कर रहे हैं। और इसी प्रकार जो राज्यों में सरकार है वहां भी इसी प्रकार तीनों अंग हैं, कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनके बीच में शक्तियों का बंटवारा है, सत्ता की साझेदारी है और ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी आवश्यकता है। अगर ये चीजें नहीं है तो वो लोकतंत्र नहीं है। तो हमने ये प्रयास किया है देखने का कि सत्ता क्या है और सत्ता की साझेदारी क्या है। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमने बता दिया कि सत्ता की साझेदारी क्या है। अब हम आपकी जो किताब है उसमें दो देशों का उदाहरण दिया गया है, बेल्जियम और श्रीलंका, कि कैसे उन देशों ने सत्ता की साझेदारी
कि एक देश ने, बेल्जियम ने सत्ता की साझेदारी को बांटा, उसको लोगों के बीच में शेयर किया, सब लोगों को समान प्रतिनिधित्व दिया, तो उसको कितना फायदा हुआ। जबकि दूसरी तरफ हम श्रीलंका की बात करते हैं तो उसने ऐसा नहीं किया और उसको इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। अब आइए हम बेल्जियम की बात करते हैं। अब बेल्जियम क्या है? बेल्जियम छोटा सा देश है जो हरियाणा से, अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें, हरियाणा से भी छोटा है और उसकी आबादी 1 करोड़ के आसपास है। अगर हम यूरोप के मानचित्र में देखें तो देख रहे हैं कि इस बेल्जियम के चारों तरफ 4 प्रमुख देश हैं। उत्तर में इसके नीदरलैंड है, इसके पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में फ्रांस है, इसके दक्षिण पूर्व में लुक्जमबर्ग है और इसके पूर्व में जर्मनी है। और आप देख रहे हैं कि इसका जो हिस्सा है 2 प्रमुख भागों में बंटा हुआ है, उत्तरी और दक्षिण। उत्तरी जो क्षेत्र है उसको फ्लेमिश कहा जाता है और यहाँ पर वे लोग रहते हैं जो डच भाषा बोलते हैं। आप देख रहे हैं कि इसके उत्तर में नीदरलैंड है और नीदरलैंड में भी डच भाषा बोली जाती है, और ये डच बोलने वाले जो लोग हैं इनकी आबादी 59% है, 59% है। और इसके दक्षिण में जो हिस्सा है उसको वेलोनिया के नाम से जाना जाता है और वहां पर जो लोग हैं वो फ्रांसीसी भाषा बोलते हैं। आप देख सकते हैं कि इसके पश्चिम में और दक्षिण पश्चिम में फ्रांस है, इसीलिए वहां पर फ्रांसीसी ज्यादा बोली जाती है। और ये जो लोग हैं कुल आबादी का 40% है। और इसके दक्षिण पूर्व में थोड़ा सा हिस्सा ऐसा है जहां पर 1% लोग जो हैं वो जर्मन हैं, जर्मन भाषा बोलते हैं। अब ये तो हमने इसकी बात की बेल्जियम के क्षेत्र की कि वहां पर कैसा कौन सा क्षेत्र है और वहां पर जो लोग रहते हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं। अगर हम अब श्रीलंका की तरफ जाएं तो श्रीलंका आपको पता है भारत के सबसे दक्षिण में स्थित, जो तमिलनाडु हमारा राज्य है उसके दक्षिण में स्थित है, भारत का जो कह सकते हैं हिंद महासागर के बीचों बीच में एक टापू है। अब यहां पर क्या है, यहां पर एक ये भी इसकी आबादी भी लगभग 2 करोड़ आसपास है, जो हमारा हरियाणा है उसके बिल्कुल समान है। अब यहां पे क्या है कि बीच वाला हिस्सा पूरा, पूर्व वाला हिस्सा पूरा, दक्षिण वाला हिस्सा पूरा, यहां पर ऐसे लोग हैं जो सिंगल ही भाषा बोलते हैं और जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया हुआ है और इनकी आबादी 74% है। अब दूसरी तरफ आप देखें इसके पूरब में और उत्तर पूरब में और उत्तर में, ऊपर से नीचे की तरफ हम देखें, ये जो लाल वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये वो लोग हैं जो तमिल बोलते हैं और श्रीलंका के मूल रूप से निवासी हैं। समझ रहे हैं आप, यानी उत्तर पूर्व, उत्तर से लेकर के नीचे उत्तर पूर्व और थोड़ा सा पूर्व तक, ये वो हिस्सा है जहां पर श्रीलंका के तमिल लोग रहते हैं और यहां पर इनकी आबादी जो है वो 13% है। और ये जो हैं हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं और अपनी अपनी भाषा बोलते हैं। और बीच में आप देख रहे हैं यहाँ पे काले निशान बने हुए हैं बिल्कुल साउथ में, और बीच बीच में हल्के हल्के हमें निशान दिखाई दे रहे हैं। ये जो हैं वे भारतीय तमिल हैं, यानी वे लोग हैं भारतीय लेकिन क्या करते हैं, वो तमिल बोलते हैं। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि भारतीय तमिल लोग यहां कैसे आ गए, श्रीलंका में तो तमिल ठीक हमने कह दिया लेकिन भारतीय तमिल कैसे आ गए। तो आपको पता होगा कि जैसे अंग्रेजों ने भारत के ऊपर राज किया हुआ था उसी प्रकार श्रीलंका के ऊपर भी राज किया हुआ था और भी कई देशों पर उन्होंने अपना अधिकार किया हुआ था। अब वो क्या करते थे इस अपने औपनिवेशिक शासन के दौरान, वो क्या करते थे कि जब भी उन्हें कहीं ऐसे लगता था कि किसी क्षेत्र में हमें चाय बगानों के लिए या रबड़ बगानों के लिए
मजदूरों की आवश्यकता होती थी तो वो भारत से दूसरे देशों में लेकर के चले जाते थे। तो यहां पर भी ऐसा हुआ, उन्होंने क्या किया, भारत से इस श्रीलंका के अंदर अपने चाय बगानों में, रबड़ बगानों में काम करने के लिए उनको यहां पर वो लेकर के आए। और इनकी जो आबादी थी यहां पर इस समय 5% के आसपास है, यानी जो कुल तमिल संख्या है अगर हम बात करें वो 18% है श्रीलंका के अंदर, जिसमें से 13 जो हैं वो श्रीलंका के मूल निवासी हैं और जो 5% हैं वो भारतीय तमिल हैं, और ये हिंदू और मुसलमान दोनों ही हैं। और अगर हम और एक संख्या बात करें, यहां पर जो ईसाई हैं वो भी यहां पर 7% हैं, और ये ईसाई सिंगली भी बोलते हैं और तमिल भी बोलते हैं। अब आप मोटे तौर पर समझ गए कि 74% आबादी यहां पर वो है जो सिंगली बोलते हैं और बौद्ध धर्म को अपनाए हुए है, जबकि 18% जो तमिल हैं, जिनमें 13% श्रीलंकाई मूल के निवासी तमिल हैं, और जो 5% हैं वो भारतीय तमिल हैं, और ये अपने अपने कह सकते हैं हिंदू मुस्लिम जो धर्म है उसको अपनाए हुए हैं और उसका संरक्षण करने का प्रयास कर रहे हैं। और 7% ईसाई हैं जो यहां पर तमिल और सिंगली दोनों भाषाओं को ही बोलते हैं। अब यहां पे हम, ये तो हमने दोनों देशों की स्थिति को समझ लिया, अब हम वापस बेल्जियम की तरफ चलते हैं। अब बेल्जियम में क्या हुआ कि 1950 और 1960 में, एक चीज और समझ लें, बेल्जियम के जब हम बात कर रहे हैं दोबारा, तो बेल्जियम की हमने बात कहा था कि यहां पर उत्तरी हिस्से में 59% लोग ऐसे हैं जो डच बोलते हैं, और दक्षिण हिस्से में जो वेलोनिया क्षेत्र है वहां पर हम बात करते हैं तो वहां पर 40% फ्रांसीसी बोलने वाले। लेकिन यहां की एक राजधानी है ब्रुसेल्स, यहां बेल्जियम की जो राजधानी है ब्रुसेल्स, वहां पे क्या है, वहां पे हम देखने हैं कि यहां पर बिल्कुल उसके विपरीत, यहां पर 80% फ्रांसीसी हैं और 20% डच लोग हैं, यानी बिल्कुल विपरीत है, जैसा पूरे बेल्जियम है यहां पर उसके बिल्कुल विपरीत है। और ये जो ब्रुसेल्स में फ्रांसीसी रहते हैं ये काफी अमीर हैं, काफी समृद्ध हैं, जबकि जो डच लोग हैं वो इतने समृद्ध नहीं हैं। तो इसी बात को दोनों, क्योंकि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, चाहे वो आबादी को लेकर के है तो ऐसी, और समृद्धता को लेकर के है, तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों देशों के, इन दोनों भाषाई वर्गों के बीच में 1950 और 1960 के बीच में काफी तनाव पैदा हुआ। तो इस स्थिति से निपटने के लिए कि हमारा देश ठीक ढंग से काम करता रहे, ठीक ढंग से विकास करता रहे, तो उन्होंने अपने संविधान में 1970 और 1993 जो संविधान संशोधन किए उसमें एक बहुत बड़ा फेरबदल किया। वो फेरबदल क्या था, उन्होंने अपनी जो सरकार बनाई, एक केंद्रीय सरकार बनाई, उसमें उन्होंने क्या किया कि जितने भी फ्रांसीसी मंत्री नियुक्त किए और उतने ही डच भाषा बोलने वाले लोगों को मंत्री बनाया। यानी उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि जो उन्होंने केंद्रीय सरकार बनाई, पूरे देश वाली सरकार बनाई, उसमें उन्होंने 20 फ्रांसीसी मंत्रियों को लिया और 20 ही डच भाषा बोलने वाले मंत्रियों को या लोगों को मंत्री बनाया। अब उसके अतिरिक्त उन्होंने क्या कहा कि जब भी कोई कानून बनेगा तो वो दोनों भाषाई समूहों के द्वारा लागू तभी होगा जब दोनों भाषाई समूह इसको अपनाएंगे। अगर फ्रांसीसी भाषा वाले ये चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए और दूसरी तरफ डच बोलने वाले चाहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, तो वो कानून नहीं बनेगा। यानी टकराव को रोकने के लिए उन्होंने ये काम किया। अब दूसरा उन्होंने क्या बदलाव किया, उन्होंने राज्यों को, वहां पर राज्य सरकारें भी हैं, और उनको शक्तियां दे दी। वो जो राज्य सरकारें हैं
वो केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है, वो अपना काम अपने ढंग से करती हैं। इसके अतिरिक्त ब्रुसेल्स में भी एक सरकार बनाई। अब ब्रुसेल्स जो यहाँ पर बेल्जियम की कैपिटल है, आप देख रहे हैं, वहां पर भी उन्होंने एक सरकार बनाई जो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, वहां में जो लोग रह रहे हैं उनके ऊपर शासन करेगी। और उन्होंने क्या किया, वहां पर भी बराबर संख्या रखी मंत्रियों की, या जो भी कार्यकारी अधिकारी थे उनकी संख्या बराबर रखी। ऐसा नहीं था वहां पर कि ब्रुसेल्स में 80% जो लोग हैं फ्रांसीसी हैं तो उनको ज्यादा दिया जाए हिस्सा, और 20% डच लोग हैं तो उनको हिस्सा कम दिया जाए। नहीं, ऐसा नहीं किया गया। वो ऐसा इसलिए करने के लिए तैयार हो गए, या मानने के लिए फ्रांसीसी इसलिए तैयार हो गए, क्योंकि पूरे ब्राजील की सरकार जो बनी थी उसमें फ्रांसीसियों की संख्या कम होते होने के बावजूद भी उन्हें बराबर का प्रतिनिधित्व दिया गया था। इसी बात को ध्यान में रख करके ही ब्रुसेल्स में जो सरकार बनी वहां पर भी डच और फ्रांसीसी लोगों का जो प्रतिनिधित्व था वो भी बराबर का ही रखा गया। इसके अतिरिक्त क्या किया गया, अलग अलग भाषाई समूहों के लिए, आपको पता है यहाँ पर डच हैं, यहाँ पर फ्रांसीसी हैं, यहाँ पर जर्मन है, अब इन तीनों लोगों के जो तीनों जो वर्ग हैं अपनी अलग अलग भाषा बोलते हैं, उनको ये अधिकार दिया गया कि वो अपनी अपनी एक सामुदायिक सरकार बनाएंगे, और इस सामुदायिक सरकार में अपना अपना जो भाषाई वर्ग है वो अपनी अपनी सरकार चुनेगा, और उसी के आधार पर अपने भाषाई और जो संस्कृति से संबंधित अधिकार हैं उनको वो वहां पर पूरा करेगा। तो इससे क्या हुआ, जब हम बेल्जियम का उदाहरण देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि वहां पर हमें एक राजनीतिक स्थिरता और शांति दिखाई देती है, पूरी तरह से देश में स्थायित्व हमें देखने को मिल रहा है, किसी प्रकार की हिंसा या अराजकता वहां पर देखने को नहीं मिली। अब जब यूरोपियन यूनियन ने अपना मुख्यालय बनाया तो उन्होंने बेल्जियम के उदाहरण को दिमाग में रखते हुए ब्रुसेल्स के अंदर अपना मुख्यालय स्थापित किया। तो यहां पर हमने देखा कि जब हम सत्ता की साझेदारी करते हैं या सत्ता का बंटवारा करते हैं तो कैसे उस देश के लोगों को या देश को कितना फायदा होता है। जबकि हम अब श्रीलंका की बात करेंगे, वहां पर क्या हुआ, हम पहले बात कर चुके हैं कि श्रीलंका में 74% लोग सिंगली हैं जो बोध भाषा बोलते हैं। 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ, आपको पता है कि भारत 1947 में आजाद हुआ था, और उसके एक वर्ष के बाद अंग्रेजों ने श्रीलंका को भी आजाद कर दिया। अब यहां पर क्या हुआ, सिंगली लोगों को यह लगा, इन बोध लोगों को यह लगा कि हमारी आबादी जो है वो 74% है और हम बहुत संख्यक हैं और हम अपने ढंग से अपना काम कर सकते हैं। 1956 में श्रीलंका के अंदर एक एक्ट बना, एक कह सकते हैं अधिनियम बना, जिसके तहत तीन प्रकार के प्रमुख काम किए गए। क्या, पहली बात तो ये की गई कि जो सिंगली भाषा थी उसको आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया गया, और दूसरा काम ये किया गया कि जो भी विश्वविद्यालय थे या जो सरकारी संस्थान थे वहां पर सिंगली भाषा बोलने वालों को ज्यादा प्रेफरेंस या अधिमान दिया गया, और तीसरा काम क्या किया गया, जो बौद्ध धर्म था उसको ज्यादा संरक्षण दिया गया। यानी श्रीलंका के लोगों ने अपनी, जो सिंगली लोग थे, अपनी संख्या अधिक होने के कारण तीन ऐसे बदलाव किए जिससे जो वहां पर रहने वाले तमिल लोग थे उनको बहुत बड़ी समस्याओं से जूझना पड़ा। क्या हुआ, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार सिंगली भाषा को आपने यहां पर आधिकारिक भाषा घोषित किया है तो हम तमिल जो यहां पर 18% हैं हमें भी कुछ ना कुछ दीजिए, हमारे अधिकारों की भी बात कीजिए। लेकिन और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमें भी जो शैक्षणिक संस्थान है या विश्वविद्यालय है या नौकरियां हैं वहां पर हमें भी थोड़ा अधिमान देने का प्रयास करें।
लेकिन बहुसंख्यक होने की वजह से इन सिंगली बोधों ने उनकी बात को नकार दिया और उनको किसी भी प्रकार का अधिकार देने से मना कर दिया। अब क्या हुआ, तो जब उन्होंने उनको अधिकार देने से मना कर दिया, एक प्रकार से शोषण था, उस शोषण की जब तमिलों को लगा कि हद हो गई है कि हमारे जो अधिकार हैं हमें नहीं मिल रहे, तो उन्होंने विरोध के स्वर तेज कर दिए। उन्होंने क्या किया, अपने पूरे श्रीलंका के अंदर तमिल इलम के नाम से अपने अपने संगठन बनाने शुरू कर दिए। तमिल इलम का उद्देश्य था तमिल लोगों के हितों को प्राप्त करना। वो क्या हितों की मांग कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हमारी जो तमिल भाषा है उसको भी आधिकारिक भाषा घोषित किया जाए और हमारे जो तमिल जितने भी लोग हैं उन लोगों के लिए एक स्वायत्त क्षेत्र बनाया जाए ताकि वो अपने ढंग से उस क्षेत्र में अपना काम कर सके। लेकिन इन सिंगली बोध जो 74% थे, बहुसंख्यक थे, उन्होंने इस बात को भी मना कर दिया। और उसके बाद में क्या हुआ कि ये जो तमिल थे इन्होंने अपने संगठनों के जरिए और अपनी एक सेना बनाई और उस सेना के जरिए श्रीलंका के विभिन्न हिस्सों के अंदर हिंसा और आगजनी विद्रोह और हड़ताल जैसा ही काम करने शुरू कर दिए। लेकिन सिंगली बोध क्योंकि संख्या में ज्यादा थे, सरकार उनकी थी, उन्होंने भी इन विद्रोहों को दबाना शुरू कर दिया और इस प्रकार इस तमिल कह सकते हैं तमिल संगठन और ये जो सरकार के बीच में था एक सिविल वॉर, एक गृह युद्ध शुरू हो गया। और ये गृह युद्ध के चलते हुए पता नहीं कितने ही तमिल लोगों की जान गई और इसी प्रकार जो सिंगली बोध थे उनकी भी जान जोखिम में डाली गई, उनको भी मारा गया और देश के अंदर पूरी तरह से अव्यवस्था कह सकते हैं, अराजकता और अहिंसा का जो दौर था वो शुरू हो गया। जो श्रीलंका जो भारत में आगे था विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों में, इन चक्रों के चलते हुए वो पीछे रह गया और ये 2009 तक ये स्थिति चलती रही। 2009 में जाकर के वहां पर गृह युद्ध समाप्त हुआ। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस श्रीलंका ने या सिंगली बोधों ने अगर तमिल लोगों के साथ सत्ता की साझेदारी की होती, सत्ता का बंटवारा किया होता, तो वहां पर बेल्जियम जैसी स्थिति होती, शांति होती, पीसफुल होता, स्थायित्व होता, हर प्रकार से वहां पर लोग खुश होते। लेकिन क्योंकि सत्ता का बंटवारा नहीं किया गया विभिन्न वर्गों के बीच में और उसके चलते क्या हुआ, श्रीलंका की स्थिति से आपको हमने अवगत कराया, वहां पर ऐसे हालात पैदा हो गए। अब हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि जो सत्ता की साझेदारी है उसके कई रूप होते हैं, इनको हमने चार प्रमुख भागों में बांटा है। पहला जो इसका रूप है वो है शासन के अंगों के बीच में साझेदारी, शासन के अंगों के बीच में साझेदारी या सत्ता का बंटवारा। आपको पता है कि भारत में जो सरकार है, चाहे वो केंद्रीय सरकार है चाहे वो राज्य सरकार है, उसके बारे में थोड़ा सा पहले भी हमने डिस्कस किया, उसका वर्णन किया कि सरकार के तीन अंग हैं, विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और इन तीनों का अलग अलग काम है। विधानपालिका का काम है कानूनों को बनाना, कार्यपालिका का काम है कानूनों को लागू करना और न्यायपालिका का काम ये है कि जो कानून बनाए गए हैं वो सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं। और इनको काम जो है अलग अलग बेशक दिया गया है, लेकिन ये जो तीनों अंग हैं ये एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण और संतुलन की नीति बनाए रखते हैं। अगर कोई एक अंग गलत काम करता है तो दूसरा उसको रोक देता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस प्रकार का जो सत्ता का बंटवारा है उसमें सरकार के तीन अंगों के बीच में सत्ता को दर्शाया गया है और इस प्रकार का जो सत्ता का बंटवारा होता है उसको क्षैतिज
बंटवारे के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम खींचे, क्षैतिज लाइन खींचे, तो इसका मतलब है कि उस लाइन पर हैं, यानी तीनों का रोल अपना अपना है और तीनों के अंदर समानता है, उसमें कोई ऊपर नीचे नहीं है। और जो दूसरा रूप है सत्ता के बंटवारे का, वो होता है ऊर्ध्वाधर, उसको हम वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर कह सकते हैं। और दूसरा इसका जो नाम है वो है कि शासन के विभिन्न स्तरों के बीच में शक्तियों का बंटवारा। पहले हमने बात की थी सरकार के अंगों के बीच में, अब यहाँ शासन के अंगों के बीच में, लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं वो सरकार जो है वो विभिन्न स्तरों पर शक्तियों का बंटवारा हमें देखने को मिलता है। कैसे? भारत में क्या है कि ये केंद्रीय सरकार है जो पूरे देश के लिए कानून बनाती है। अब भारत के जो केंद्रीय सरकार है वो पूरे देश पर तो कानून बनाती है, लेकिन क्या किया गया, भारत को इकाइयों में बांटा गया है जिसको हम भारत में प्रांतों के नाम से जानते हैं। अब भारत में 28 प्रांत हैं और ये 28 के 28 प्रांतों की अपनी अपनी सरकार है। और यहाँ पर आपको पता ही है कि मुख्यमंत्री होता है, राज्यपाल होता है, जबकि केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति होते हैं वो पूरे देश के लिए, जबकि जो राज्यों की सरकारें हैं वो अपने अपने राज्य के लिए कानून बनाते हैं। और हर राज्य में स्थानीय सुशासन की भी बात की गई है। यहाँ पर नगर पालिका है, पंचायत समिति है, जिला बोर्ड है, पंचायत है, तो इस प्रकार वो अपने अपने ढंग से अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं, उनको शक्तियां दी गई हैं। तो हम देख रहे हैं ऊपर से नीचे, यानी एक प्रकार से वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर जो शक्तियों का बंटवारा केंद्र सरकार से पंचायत स्तर तक जो शक्तियों का बंटवारा हमें देखने को मिल रहा है। जो तीसरा रूप होता है वो है विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में भी शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। आपको पता है कि भारत में कई भाषाई समूह हैं, कई अल्पसंख्यक समूह हैं और कई ऐसे लोग हैं जिनको काफ़ी समय से अधिकारों से वंचित रखा गया है, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, मेन स्ट्रीम में लाने के लिए के बीच में भी शक्तियों का बंटवारा किया गया है। भारत में क्या है, आपको पता ही है कि यहाँ पर जो लोकसभा है, विधानसभा है या सरकारी नौकरियाँ हैं वहाँ पर, यहाँ पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को कुछ विशेष आरक्षण दिया गया है ताकि वो अपने इन अधिकारों को भोगते हुए या उन अधिकारों का लाभ उठाते हुए सत्ता में अपनी जो साझेदारी है उसको अच्छी तरह से सुनिश्चित कर सके। अभी हमने बात की थी बेल्जियम की, बेल्जियम में जो सामुदायिक सरकार की हमने बात की थी वहाँ पर यही तो है, वहाँ पर जो डच हैं या फ्रांसीसी हैं या फिर जो जर्मन लोग हैं उनके लिए अलग से एक सामुदायिक सरकार बनाई गई है, वो इसी रूप को ही प्रतिलक्षित करता है। उसी प्रकार जो सत्ता के बंटवारे का एक चौथा रूप है वो क्या है, राजनीतिक दलों और विभिन्न दबाव समूहों या आंदोलनों के द्वारा भी सत्ता की भागीदारी या सत्ता का बंटवारा किया जाता है। अब कई बार क्या होता है, आपको पता है कि जो राजनीतिक दल है चुनाव लड़ते हैं और सरकार बनाते हैं और जिसको बहुमत मिलता है सरकार उसी की बनती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि एक दल दूसरे दल के साथ मिलकर या दो से अधिक दल आपस में मिलकर के बहुमत का निर्माण कर लेते हैं और सरकार बना लेते हैं। और चूंकि यहाँ पर इन दलों में ये जो सरकार बनी है कई दो या तीन दल हैं, तो इस प्रकार वो सरकार चलाएंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सत्ता का बंटवारा विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच में हो जाता है। इसी प्रकार कई बार क्या होता है, आपको पता है कि भारत का जो व्यापारी वर्ग है वो क्या करता है, जब चुनाव होता है तो राजनीतिक दलों को विभिन्न प्रकार के पैसे देता है, अपना जो चुनाव खर्च होता है उसकी भरपाई के लिए, और बाद में अपने दबाव से वो सरकार के ऊपर दबाव डालता है कि वे उनका ये काम करे। यानी कहने का भाव ये है कि उनकी भागीदारी भी हमें देखने को मिल रही है, कोई निर्णय बदलने में वो व्यापारी वर्ग भी या जो इंडस्ट्रियलिस्ट
या औद्योगिक वर्ग है वो भी अपनी कोशिश करता है कि उसका निर्णय यहाँ पर लागू किया जाए। इसी प्रकार यहाँ पर मजदूर संगठन होते हैं, किसान संगठन होते हैं, वो भी उनको लगता है कि अगर कोई चीज उनके हित में नहीं हुई तो वो सड़कों पे आ जाते हैं, विरोध करते हैं, प्रदर्शन करते हैं और उसके चलते हुए सरकार को उनकी जो बात है उसको भी मानना पड़ता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि ये वर्गों के द्वारा भी सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। तो इस प्रकार हमने अपने इस नागरिक शास्त्र के 10वीं क्लास के इस अध्याय में ये सत्ता का जो हमारा बंटवारा है, सत्ता की साझेदारी, इस पाठ में जानने का प्रयास किया है कि जब हम सत्ता की साझेदारी करते हैं तो हमें कितना फायदा होता है। जैसा कि हमने बेल्जियम में देखा कि सत्ता की साझेदारी करने से उसके देश के अंदर किस प्रकार स्थिरता आई, किस प्रकार शांति हुई और जो उसका विकास था, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में था, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र में था, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में था या अन्य किसी क्षेत्र में था, तो वो आगे बढ़ता चला गया। जबकि जब हमने श्रीलंका की बात की जिसने सत्ता की भागीदारी को नकार दिया तो उस देश के अंदर किस प्रकार उस देश के लोगों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़े और वहां पर एक गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हुई और आम लोगों को भी उसका परिणाम भुगतना पड़ा। और बाद में हमने बात कोशिश की है जानने की कि जो हमारे जो सत्ता के बंटवारे के रूप होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो हमने इस पाठ से ये समझने का प्रयास करना है कि एक लोकतांत्रिक देश में ये सबसे जरूरी है कि सत्ता का बंटवारा हो ताकि उस देश के अंदर स्थायित्व बना रहे, शांति बनी रहे, वहाँ पर अलगाववाद जैसी स्थिति ना पैदा हो, वहाँ पर एकता और अखंडता बनी रहे और देश के सब लोगों को जो प्रतिनिधित्व है वहाँ पर उसको पूरा मिलता रहे। तो बच्चों अभी हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि हमने जो पढ़ा है हमने उसमें से क्या सीखा है और ये हम आपसे जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं उसके माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि आपने कितना सीखा है। तो हम पहला जो प्रश्न है वो ये ले रहे हैं, सत्ता में साझेदारी किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप से संभव है। मैं एक बार प्रश्न को दोहरा रहा हूं, सत्ता में साझेदारी किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप से संभव है। और इसके जो विकल्प हैं, राजतंत्र, लोकतंत्र, निरंकुशवाद या अधिनायक तंत्र। तो आपको पता ही है कि सत्ता में जो भागीदारी है क्या होगा, इसका उत्तर पता ही है आपको, हाँ लोकतंत्र। लोकतंत्र में ही सत्ता की भागीदारी सबसे ज्यादा दी जाती है। और दूसरा प्रश्न है, सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन सा है। और आपके विकल्प हैं बेल्जियम, पाकिस्तान, श्रीलंका और चीन। तो आपको पता ही है इसका उत्तर, हाँ बेल्जियम, क्योंकि बेल्जियम में ही क्या किया गया था, सब वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया था और सरकार में भागीदारी सुनिश्चित की गई थी और अपने देश में एक स्थायी सरकार चलाई। अब हम आपसे तीसरा प्रश्न पूछने जा रहे हैं, वो प्रश्न है भारत के संविधान के बारे में है। भारत के संविधान के बारे में आप जानते ही हैं। प्रश्न है, भारत संविधान के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी इसमें से तीन बातें सही हैं और जो एक गलत है वो आपने छांटनी है। पहला है, धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। नंबर दो, एक धर्म को राजकीय धर्म माना जाता है, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। और चौथा है, धार्मिक समुदाय में सभी लोगों को बराबरी का अधिकार देता है। हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि धर्म के यहाँ पर लोगों को स्वतंत्रता दी गई है, तो इसलिए जो इसका उत्तर होगा, एक धर्म को राजकीय धर्म माना जाता है। हाँ भारत में इसका अपना कोई धर्म नहीं है, सब लोगों को
अपना धर्म मानने की किसी भी प्रकार से छूट है। तो बच्चों अब आपसे हम चौथा प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रश्न है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, यानी जब क्षेत्रवाद की हम बात करते हैं तो उसका एक बुरा परिणाम निकलता है। तीन उसमें जो है ठीक परिणाम होते हैं, लेकिन एक बुरा परिणाम है वो आपने बताना है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय एकता, दूसरा है राष्ट्रहित, तीसरा है राष्ट्रीय अखंडता और चौथा है अलगाववाद। तो आपको पता है कि जब क्षेत्रवाद की हम बात करते हैं तो हमारे लिए जो अलगाववाद है वो एक बुरा परिणाम सामने लेकर के आता है, तो हम इसका जो ऑप्शन होगा अलगाववाद माना जाएगा। तो पांचवा प्रश्न है कि श्रीलंका में भेदभाव किस आधार पर रहे। तो हमने अभी देखा श्रीलंका में भेदभाव किया गया, किस प्रकार एक भाषा वाले लोगों ने दूसरी भाषा वाले लोगों के साथ भेदभाव किया। तो आपका आंसर यहाँ पे निकलेगा, पहला ऑप्शन है नस्ल एवं रंग, दूसरा है जाति, तीसरा है भाषा और चौथा है वर्ण। तो हम बात कर रहे हैं तो इसका आंसर क्या होगा, भाषा। अब है छठा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक विभाजन का तरीका नहीं है, यानी इनमें से एक ऐसा तरीका है जो समाज को नहीं बांटता। तो पहला है क्षेत्रीयवाद की भावना, दूसरा है सरकारी नौकरी, तीसरा है भाषा, चौथा है नस्ल एवं रंग। तो आप देख रहे हैं इनमें तीन चीज़ें ऐसी हैं जो सामाजिक विभाजन को बता रही हैं, जबकि एक ऑप्शन ऐसा है और वो है सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी से हमें नहीं पता चलता कि कौन किस भाषा का है, किस नस्ल का है या किस क्षेत्र से वो आया है। अब है प्रश्न नंबर 7, संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, जाति, वंश या स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है, यानी भारत का जो संविधान है वो इन चीजों को, चाहे वो धर्म है, चाहे वो जाति है या वंश है या स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। तो आपको पता ही है कि संविधान का जो अनुच्छेद 15 है इन चीजों को आधार मान करके किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। अब प्रश्न नंबर 8वां है, निम्नलिखित में से कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है। धर्मनिरपेक्ष देश वह होता है जो किसी धर्म को नहीं मानता है और सब धर्मों का सम्मान करता है। तो आपने यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से तीन तो ऐसे हैं जो धर्मनिरपेक्ष हैं, जबकि एक धर्मनिरपेक्ष नहीं है, उसका नाम आपने लेना है। तो ऑप्शन है पाकिस्तान, अमेरिका, भारत, नेपाल। तो आपको दिख ही रहा है कि जो पाकिस्तान है वो धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है, वहाँ पर मुस्लिम धर्म की बात की जाती है। फिर है प्रश्न नंबर 9, ब्रुसेल्स में 80% लोग कौन सी भाषा बोलते हैं। आपको पता है ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम की राजधानी है, और जब हम पढ़ रहे थे कि वहाँ पर बेल्जियम में या ब्रुसेल्स में कौन सी भाषा बोलने वाले कितने प्रतिशत लोग हैं, तो आपका प्रश्न है अब ब्रुसेल्स में 80% लोग कौन सी भाषा बोलते हैं। आपको पता ही है कि ब्रुसेल्स में फ्रांसीसी जो लोग हैं वो 80% हैं, और वहाँ पर 80% लोगों के द्वारा फ्रांसीसी भाषा बोली जाती है। और उसके बाद है हमारे संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, ये आपका 10वां प्रश्न है। तो आपने आपके सामने जो ऑप्शन है वो हैं 11, 21, 18, 22। और इन ऑप्शंस में जब हम देखते हैं तो आपको पता है कि जो 22 है वो भाषाएं यहाँ पर भारत के संविधान में इनका उल्लेख किया गया है। अब हम लघु उत्तरी प्रश्न करेंगे, बेल्जियम देश की सीमा किन किन देशों को छूती है। बेल्जियम देश की सीमा नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी और लुक्जमबर्ग देशों को छूती है। प्रश्न नंबर 2, बेल्जियम की कोई एक मुख्य समस्या को लिखें। बेल्जियम देश में डच बोलने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, परंतु ब्रुसेल्स जो इस देश की राजधानी है वहाँ डच अल्पसंख्यक थे।
प्रश्न नंबर 3, बहुसंख्यकवाद क्या है? उत्तर, किसी भी समुदाय का समूह किसी दूसरे समूह से भाषा या जातीय आधार पर ज़्यादा संपन्न होता है और इसी कारण वह समूह अल्पसंख्यकों पर प्रभुत्व जमाने की कोशिश करता है, इसी को हम बहुसंख्यकवाद कहते हैं। प्रश्न नंबर 4, श्रीलंका में सिंगल ही भाषा को राजकीय भाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ? उत्तर, सन 1956 में। प्रश्न नंबर 5, बेल्जियम में समुदाय सरकार सत्ता में साझेदारी के किस रूप का अच्छा उदाहरण पेश करती है? बेल्जियम में समुदाय सरकार विभिन्न स्तरों पर सत्ता की साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती है। प्रश्न नंबर 6, सत्ता में साझेदारी के 4 रूपों को लिखिए। उत्तर, सत्ता में साझेदारी के 4 रूप इस प्रकार हैं, विभिन्न अंगों के माध्यम से, नंबर 2 विभिन्न स्तरों पर, नंबर 3 विभिन्न सामाजिक समूह द्वारा, और नंबर 4 विभिन्न राजनीतिक दल और दबाव समूह के द्वारा। प्रश्न नंबर 7, श्रीलंका में गृह युद्ध कब से कब तक चला? उत्तर, सन 1983 से 2009 तक गृह युद्ध चला। प्रश्न नंबर 8, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद के कारण क्या स्थिति उत्पन्न हुई? बहुसंख्यकवाद के कारण श्रीलंका में अलगाववाद की स्थिति उत्पन्न हुई। प्रश्न नंबर 9, सत्ता में साझेदारी क्यों जरूरी है? उत्तर, शासन में स्थिरता और देश में एकता बनाए रखने के लिए सत्ता में साझेदारी आवश्यक है। प्रश्न नंबर 10, बेल्जियम में समुदाय सरकार को किन मुद्दों पर फैसला लेने का अधिकार है? उत्तर, शिक्षा, भाषा और संस्कृति के मामलों पर फैसला लेने का अधिकार है। अब हम दीर्घ प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1, श्रीलंकाई तमिलों के मन में अलगाववाद की भावना क्यों उत्पन्न हुई? या यह प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद को कैसे बढ़ावा दिया गया? इसका उत्तर हम इस प्रकार से दे सकते हैं, श्रीलंका सन 1948 में स्वतंत्र हुआ, वहाँ सिंगली समुदाय के लोगों की जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण उस समुदाय के लोगों ने शासन में अपना प्रभुत्व जमाना चाहा, जिसमें वे सफल भी हुए। शासन मिलने पर राजनीतिक पार्टियों और सरकार ने अपने समुदाय के हित और अपने अपने समुदाय के लोगों को सशक्त बनाने में ध्यान दिया, जिससे श्रीलंकाई तमिलों के मन में अलगाववाद की भावना पैदा हो गई, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि सरकार उनके भाषा और संस्कृति के प्रति असंवेदनशील है। यहाँ की सरकार ने कई नियम बनाए, जैसे कि सन 1956 में सिंगली भाषा को राजभाषा बनाया गया, विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंगली भाषा को प्राथमिकता दी गई, बौद्ध धर्म के संरक्षण हेतु नियम बनाए गए, क्योंकि सिंगली समुदाय के लोग बौद्ध धर्म के होते हैं। इन्हीं कारणों से श्रीलंका की लोकतांत्रिक प्रणाली में निम्नलिखित प्रभाव पड़े, श्रीलंकाई तमिलों को लगने लगा कि उन्हें राजनीतिक अधिकारों से दूर रखा जा रहा है, सरकार और राजनीतिक पार्टियां उनके प्रति असंवेदनशील हैं, उनके साथ विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में भी
भेदभाव किया जा रहा है और इसका परिणाम श्रीलंका को गृह युद्ध द्वारा भुगतना पड़ता है। प्रश्न नंबर दो, बेल्जियम देश की संरचना अपनी राजधानी ब्रुसेल्स की संरचना से किस तरह भिन्न है बताइए। बेल्जियम में अलग अलग समुदायों की संरचना इस प्रकार है, डच बोलने वालों की संख्या 59%, फ्रेंच बोलने वालों की संख्या 40%, जर्मन बोलने वालों की संख्या 0.1%, वहीं ब्रुसेल्स में फ्रेंच बोलने वालों की संख्या 80% और डच भाषा बोलने वाले लोग 20% हैं। इस प्रकार से बेल्जियम देश में डच बोलने वालों की संख्या ज़्यादा है और राजधानी ब्रुसेल्स में फ्रेंच बोलने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। यही कारण है कि यहाँ की सरकार ने सत्ता में साझेदारी करके दोनों समुदाय के लोगों को समान अधिकार दिया, नहीं तो बेल्जियम दो देशों में बंट सकता था और श्रीलंका जैसे कई समस्याओं का सामना भी करना उसको पड़ सकता था। तो इस प्रकार से बेल्जियम और ब्रुसेल्स की संरचना एक दूसरे से भिन्न है। प्रश्न नंबर 3, सत्ता की साझेदारी द्वारा किन्हीं 4 लाभों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, सत्ता की साझेदारी से देश में निम्नलिखित लाभ होते हैं। नंबर 1, कोई भी एक समुदाय अपना प्रभुत्व नहीं जमा सकता है। नंबर 2, देश की एकता सत्ता की साझेदारी से ही मुमकिन है और दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय के हितों के बारे में भी सोचा जा सकता है। नंबर 3, भिन्न भिन्न सामाजिक समुदायों को हिस्सा और अधिकार मिलता है। नंबर 4, राजनीतिक प्रणाली में स्थिरता आती है। अब बढ़ते हैं इस पाठ के अंतिम प्रश्न की ओर, जो है सही मिलान कीजिए। इसको का और खा दो भागों में बांटा गया है, एक तरफ का के ऑप्शन है, दूसरी तरफ खा के ऑप्शन है। पहले हम का के ऑप्शन पढ़ेंगे। इसमें है पहला 1948, दूसरा है 1970 और 1993, फिर है सामुदायिक सरकार और फिर अंत में है सिंगली जाति। और खा ऑप्शन में है, फिर है श्रीलंका स्वतंत्र हुआ, फिर है बेल्जियम, फिर है बेल्जियम के संविधान में संशोधन और लास्ट में है श्रीलंका। तो अब हम इसको मिलान करेंगे। 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र हुआ, इसको आप इससे मिला लें। फिर दूसरा है 1970 और 1993, तो हमें पता ही है कि वो बेल्जियम के संविधान में संशोधन हुआ। फिर है सामुदायिक सरकार, हमें पता है कि वो बेल्जियम में सामुदायिक सरकार है। फिर है सिंगली जाति, वो हम जानते हैं कि वो श्रीलंका में है। तो उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से दोबारा से लर्न करेंगे, घर पे जा कर के याद करेंगे। और इसी के साथ आज का जो चैप्टर था खत्म हुआ। धन्यवाद।